बहुत प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद एक बार फिर आपके पास आ गया दोस्तों। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं दोस्त, जो आपके आने वाले 6 महीने आपके 6 मंथ्स आपकी लाइफ के सेव हो सकते हैं। बस 2-3 मिनट आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ईमानदारी से मेरी बातों को सुनने के बाद सोचना है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा। दोस्त आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीख मैं आपको बता दूं, तारीख पे तारीख आज मेरे दोस्त 6 मार्च 2018 है। और मुझे मालूम है कि आप सभी सीएस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटे जून 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपको पता है 2 जून 2018 में एग्जामिनेशन भी ड्यू है स्टूडेंट्स के। आप में से बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं, कोई 2 दे रहा है प्रोफेशनल के, कोई 3 दे रहा है। और बेटे मैं आज आपको उठाना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। जून 2018 2 या 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है और आज हो गई 6 मार्च। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास गिने चुने दिन रह गए हैं। एक तो 25 दिन रह गए बेटे मार्च के, 30 दिन रह गए अप्रैल के, 31 दिन रह गए मई के, टोटल देखें तो 86 डेज रह गए। और बेटा 2 जून को पेपर है और जो पेपर आपका 2 जून को होगा उसका रिजल्ट बेटे 25 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आप आने वाले ये 86 डेज कैसे यूज करते हैं, क्या हार्ड वर्क करते हैं, कैसी प्लानिंग करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं। बेटे हार्ड वर्क क्या हुआ कि आप रोज सुबह उठे और आपने कहीं पे जो क्लासेस ज्वाइन किए फेस टू फेस की क्लासेस सुबह सुबह की 8 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि उस कोचिंग सेंटर ने, उस टीचर ने आपको ये बता दिया है कि भैया जब तक मर्जी पढ़ो, फीस एक ही बार देनी पड़ेगी, बार बार फीस देने की जरूरत ही नहीं है। और आप उसी 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 लालच से खुश हो गए कि बार बार फीस होने की जरूरत नहीं। लेकिन आप गहराई में सोचिए कि क्या पता उस टीचर को इतना भी कैपेबिलिटी ना हो कि वो एक बार आपको पास भी करा दे। और मैं तो कहता हूं अगर कैपेबिलिटी हो अगर एक बार पास कराने की तो ये ऑफर देने का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, इन बातों को भी छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं इस समय फेस टू फेस की क्लास अटेंड करते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट करेंगे, 3 महीने तो आराम से लग जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने में। और आपके सुबह के 4-5-6 घंटे जो ब्रह्म मुहूर्त, जो बढ़िया टाइम होता है आपका, वो लगेगा उस सीट्स में बैठकर आप वो 4-5 घंटे पढ़ तो रहे हैं। बड़ा यकीन से सोचिए आपके पास एनर्जी आपकी डाउन हो चुकी है। आप जब घर जाएंगे जिस दिन कोचिंग होगी फेस टू फेस की, आप घर में ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं रही। तो आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे? और 2-2.5 महीने ऐसे जब बीत जाएंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको जगाना चाहता हूं कि अगर आपने पहले से ही फेस टू फेस की है और अभी खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है सिलेबस तो ठीक है, लेकिन बेटे इस समय फेस टू फेस की क्लासेस कहीं पे भी किसी के यहां भी ज्वाइन करना महामूर्खता है। अभी बच्चे ने कहा फिर क्या करें, पेपर ना दे? नहीं बेटे, पेपर किसने बोला नहीं दो? मैं आपसे फिर ये रिपीट करूंगा कि आप अगर सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, आपको इस समय वीडियो लेक्चर्स के पास जाना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई वीडियो लेक्चर से करनी चाहिए क्योंकि आप खुद सोच लो कि आपके पास 86 डेज रह गए, आप कैसे प्लान करोगे, क्या करोगे, और फिर लास्ट में पछतावा होगा। मेरे दोस्त एक कबूतर की कहानी सुनाना चाहूंगा। एक कबूतर था और एक जगह बैठा हुआ था, उस दीवार पर बिल्ली आ रही थी। कबूतर बिल्ली से डरता आपको पता ही है, और कबूतर ने क्या किया, बिल्ली को देखा तो आंखें बंद कर ली। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि कबूतर को लगा कि उसने जब आंखें बंद कर ली है तो बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन बिल्ली भागी नहीं, उसी बिल्ली ने उसी कबूतर को खा लिया। आप बताइए किसकी गलती थी, बिल्ली की या कबूतर की? मैं कहूंगा कबूतर की गलती थी, ना कि बिल्ली की, क्योंकि उसी ने आंखें बंद कर ली थी। इस समय फेस टू फेस की अटेंड करके 2.5-3 महीने आप बर्बाद कर रहे हो अगर जून में पेपर देने हैं तो। आप अपने साथ खिलवाड़ मत करो, आप अपने 6 महीने सेव करो और आप कोई भी वीडियो लेक्चर्स देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे परचेस करो, और मेरे वीडियो
परचेज करने हैं। मैंने तो इतनी सारी चीजें यूट्यूब में डाली हुई, आप चेक करिए, ये पूरा का पूरा चैनल मैंने यूट्यूब का डाल दिया, 1000 लेक्चर्स डाल दिए, देखिए सारे मेरे कितने हजारों तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों तरह के कमेंट्स हैं मेरे पास, 5-10 हजार तो कमेंट्स ही होंगे, आप ये चेक करिए। मैंने एथिक्स, आईटी, एफएम, कंपनी अकाउंट, ऑडिट, कॉस्टिंग, टैक्स सब कुछ डाल दिया है, आप ये वाले वीडियोस यूट्यूब से देख सकते हैं। यहां पर कमेंट्स आए हैं, आप जरा देखिए मैंने ए टू जेड सब चीजें डाली है। आप आपको इस YouTube चैनल के लिए कुछ भी नहीं करना, YouTube में जाना है, भूपेश आनंद प्रेस करना है, आपके पास सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, आपके पास सारे एथिक्स के, आपके पास आईटी के, आपके पास टैक्स के, काफी हद तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 100% डाले, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो उसमें से काफी हद तक आपको सेल्फ स्टडी में मदद मिलेगी, और उसी में मैंने पीडीएफ ऑफ बुक्स भी डाले हुए। तो करना क्या है, आपको फेस टू फेस इस मोमेंट पर तो अटेंड नहीं करना चाहिए, मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूंगा। दूसरी चीज, आप अगर देखें तो हमने स्पेशली जून 2018 के लिए स्टूडेंट्स के लिए दो तरह की स्कीम्स निकाली है, जो वीडियो लेक्चर्स में एक तो हम डाउनलोड लिंक दे रहे हैं और एक पेन ड्राइव दे रहे हैं, और इतना कम कॉस्ट रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कंपनी अकाउंट्स में अगर आप देखें जून 2018 में अगर देने वाले हैं तो 4500, और ऑडिटिंग लेनी है और अगर दोनों लेनी है तो 6000, आप अगर फेस टू फेस करते हैं तो 10000 प्लस कन्वेंस आने जाने का रोज का 100 रुपीज, आजकल मेट्रो के पैसे आपको पता ही है, एनर्जी डाउन अलग, डेज वेस्ट अलग, और आखिरी में तो सेल्फ स्टडी करनी है। जब आपको वीडियो लेक्चर से हर चीज मिल रही है तो आप क्यों ऐसा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अभी समय है आपके पास। और अगर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 दे रहे हैं तो दोस्तों बंदा हाजिर है आपके लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए, आईटी आपके लिए, एथिक्स सब सारे डेमोस मैंने यूट्यूब में डाल दिए, कभी देखो तो सही, उसके कमेंट्स तो देखो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना सारे पैसे भी दोगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, कन्वेंस भी लगाओगे। मैं कहीं की भी समझदारी नहीं समझता फेस टू फेस, और समय आजकल है कहाँ, आधा समय आप व्हाट्सएप पे लगा देते हो, फिर फोन में लगा देते हो, फिर वहां बेकार की छोटी छोटी कुर्सियों में बैठते हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो कॉस्ट हो नहीं पाते, फिर आपको इतनी सारी भीड़ में टेंशन अलग हो जाती है, घर में आके कुछ कर नहीं पाते, और 3 महीने ऐसे बिता दोगे। मैं भूपेश आनंद आपको इस वीडियो के थ्रू जानना चाहता हूं कि आपको हम वीडियो लेक्चर्स के साथ बुक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप देखिए डायग्राम्स के लिए मैंने अलग से कुछ क्लासेस लिए, और इनको मैंने 150 लेक्चर्स यूट्यूब में डाले हैं, शॉर्ट नोट्स, कमेंट टाइप, डिफरेंस बिटवीन, और हम थ्योरी में डायग्राम्स बता रहे हैं, डायग्राम्स के साथ आपको प्रिपेयर करना है थ्योरी। आप प्लीज भेड़ चाल मत करें, आप गधे मत बनो, आप घोड़े बनो, गधे और घोड़े लगते हैं कैसे ही है, आप मेरी बात को समझना, और आप इसको इनडायरेक्ट वे में मत लेना, मैं क्योंकि आपका अपना हूं और आपको मैं अपना मानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके 6 महीने में सेव करूं। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे आज अलविदा लेता हूं इस मैसेज के साथ। और एक बात रही, हमने अपनी बुक्स को कंसेप्ट वाइज बनाया दिया कि किस तरह से हर पोर्शन को कंसेप्ट के हिसाब से बनाया, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर जब हम आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप उस वीडियो से बाहर आ जाओगे निकलकर। अब आप उनकी बात भले मत मानो, लेकिन एक बार YouTube में जाकर देखो तो सही कि क्या कमेंट्स, किस तरह के कमेंट्स मेरे दोस्तों ने मुझे दिए। आज पाकिस्तान, आज दुबई, आज सिंगापुर, आज कोई ऐसी सिटी नहीं है इंडिया की जहां पर हमारी पेन ड्राइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं जा रहे। बेटा जमाना बदल गया, पुरानी बातों पर रहोगे तो पुराना ही रिजल्ट आएगा, आपको नया काम करना है, नए दौर की बातें करनी है। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे आज अलविदा लेता हूं, बेस्ट विशेस, फिर मिलेंगे।